हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो सैरी हॉल। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन लेकर आई हूँ एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। 400 रुपीज से लेके 800 रुपीज का रेंज है और उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। सो चले फ्रेंड्स, बिना कुछ देर के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहला साड़ी से। तो ये जो साड़ी है ना, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का साड़ी है, इसका प्राइस समथिंग अराउंड 400 रुपीज तक है। इसका एग्जैक्ट प्राइस एंड इमेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जिसे आप देख सकती होंगे, ये फुल्ली यहाँ पे इस तरह का ग्रीन कलर है एंड इसके ऊपर पूरा यहाँ पे ना फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं। मैं आप सबको डिटेल में दिखाती हूँ इसको। तो एक्चुअली देखने में साड़ी बहुत ही एलिगेंट है एंड ओके। सो ये रहा पूरा साड़ी, तो ग्रीन कलर का साड़ी है। इसके ऊपर पूरा यहाँ पे इस तरह कॉन्ट्रास्ट कलर दिया हुआ है एंड इसके ऊपर ना इस तरह का पूरा शिमर यूज किया गया, जो कि पूरा फॉइल शिमर है सिल्वर कलर का, जो कि इस तरह के पूरे फ्लोरल पे यहाँ पे पूरा प्रिंट दिया हुआ है एंड ये देखने में लुक वाइज बहुत ही बढ़िया है। साड़ी का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड इस तरह का हमें यहाँ पे गोटा पट्टी का लेस भी मिल रहा है, पिंक कलर के यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर अटैच हुआ है एंड ये पूरा जो साड़ी है ऑल ओवर जो है सेम इसी तरह का आएगा। बट ये जो प्रिंट है, जो सिल्वर कलर के जो प्रिंट है ना, ये चले जाएंगे एक दो वॉश में, ये तो मैं बता देती हूँ सभी को। और बाकी जो उसका पूरा फ्लोरल जो प्रिंट है ना वो नहीं जाएगा, सिर्फ इसके ऊपर जो फ्लावर के ऊपर जो पूरा यहाँ पे प्रिंट दिया है ना, बस यही जाएगा। एक्चुअली ये शिमर की वजह से साड़ी को और भी ज्यादा अच्छे से एनहांस दे रहा है और साड़ी तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग भी रही है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी साड़ी बहुत ही अच्छी है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि जो शिमर वाला इसमें जो एक्स्ट्रा एड किया है ना, ये चला जाएगा आफ्टर 1-2 वॉश, एक दो वॉश में। एंड इवन जहाँ के लिए प्लीट्स बनाते हैं वहां का पूरा जो पोर्शन है सेम इसी तरह का ही आएगा। ये मुझे देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था एंड जहाँ के लिए हम प्लीट्स बनाते हैं वहां का जो पूरा डाउन पोर्शन जो बॉटम आएगा इस तरह का रहेगा। सो यहाँ ये रहा पूरा साड़ी। इसी के साथ ही जो है हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज रिसीव हो रहा है जो कि पिंक कलर में है। बैंगलोर सिल्क इसका फैब्रिक है, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है ये। इसी के साथ हमें यहाँ पे गोटा पट्टी का लेस रिसीव हो रहा है जिससे आप स्लीव के लिए अटैच करवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, मुझे तो साड़ी अच्छी लगी है, नॉट बैड, बट 400 के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। इवन ये 300 तक भी हो सकता था, बट या फाइन, नो प्रॉब्लम। साड़ी तो दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो पसंद आई है, पर्सनली भी बोल रही हूँ, मुझे अच्छी लगी है। जो बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रहा ये येलो साड़ी एंड ये जो साड़ी है ना काफी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, जिसे आप देख ही सकते होंगे। एंड क्योंकि वेडिंग का सीजन भी है तो आप जो है इसे अपने हल्दी फंक्शन के लिए जरूर जो है ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही एलिगेंट साड़ी है ये एंड मैं आप सबको पूरा ये ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है इसका पूरा लुक। सो गाइस, ये रहा पूरा येलो साड़ी, जिसे आप देख सकते हो इसका कलर कॉन्ट्रास्ट कितना अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये जो पोर्शन है पूरा पल्लू का यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रही हूँ, तो इसमें ना हमें कटआउट पैटर्न में इस तरह का लेस डिजाइन मिलेगा। ठीक इसी के नीचे ना पूरा यहाँ पे डायमंड स्टोन जो है पूरा स्टिक किया हुआ है, बहुत ही स्मॉल साइज के, बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्पेशली ये वाला जो पार्ट है ना साड़ी को बहुत ही ज्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल बना रहा है। तो ये जो बॉर्डर है पल्लू के तीनों साइड रिसीव होगा एंड नेक्स्ट ऑल ओवर जो साड़ी है ना हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे प्रिंट मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे जो है इस तरह का हमें यहाँ पे जो पूरा फॉइल मिरर का वर्क भी रिसीव हो रहा है ऑल ओवर साड़ी में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप किसी की हल्दी फंक्शन अटेंड कर रहे हो, खुद की भी है, ले सकते हो, बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है ये एंड ये अंडर 500 रुपीज है। मुझे तो पर्सनली बहुत बहुत ही अच्छी लगी है एंड इवन जहाँ के लिए हम प्लेट्स बनाते हैं वहां का पूरा जो साड़ी है ना इसी तरह का ही अलग अलग कलर में यहाँ पे प्रिंट मिलेंगे एंड जो उसका डाउन पोर्शन आएगा जिसे आप देख सकते होंगे, अगेन पूरा हमें यहाँ पे फॉइल का पूरा यहाँ पे इस तरह का मिरर का वर्क रिसीव हो रहा है एंड एट द बॉटम जो है ये हमें यहाँ पे लेस बॉर्डर रिसीव हो रहा है। साड़ी का जो पूरा फैब्रिक आएगा यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक आएगा, इसके फैब्रिक स्मूथ एंड सॉफ्ट है, आप आराम से इसको ड्रेप कर सकते हो और कंफर्टेबल भी फील होगा। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस रिसीव हो रहा है जो कि यहाँ पे रेड कलर में है एंड ये बैंगलोर सिल्क इसका फैब्रिक है, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज ये नहीं अच्छी लगी कि इसके साथ कोई भी यहाँ पे
ये जो लेस बॉर्डर नहीं दिया है, ये फुली प्लेन ब्लाउज यहाँ पे दे दिया है, तो मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा। कोई कोई साड़ी से मैंने ऑलमोस्ट ऐसे रहते कि जो पसंद आ जाते हैं ना उसमें तो ब्लाउज में कुछ ना कुछ कमी छोड़ ही देते हैं, तो यही एक मुझे अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज आप जो है मैनेज कर सकते हो इसके ऊपर, इसके जो ब्लाउज के ऊपर ना स्लीव वगैरह के लिए कोई भी लेस वगैरह जो है मैचिंग का लगा सकते हो, अच्छा दिखेगा। वैसे साड़ी बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा है, डेली वेयर के लिए भी ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया है ना, हर एक ओकेजन के लिए चल जाता है ये जो साड़ी है। तो यह मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है एंड मैं रियली रेकमेंड भी करूंगी सभी को ये साड़ी ट्राई करने के लिए। इस साड़ी का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रहा ये साड़ी, एंड ये तो आप सबको तो पता ही होगा आलिया भट्ट इंस्पायर्ड साड़ी है, एंड आई थिंक मैंने एक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, बट ये दोबारा मैं क्यों मंगाई, रीजन इसका है कि इसका जो बॉर्डर है ना ये थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए जो पहले में दिखाई थी उसका बॉर्डर कुछ और था, ये जो है यहाँ पे कुछ अलग सा बॉर्डर दिया है जिससे साड़ी को बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहा है। तो ये रहा पूरा जो है ट्रिपल शेड साड़ी, एंड ये साड़ी ना बहुत ही ऑसम है, इसका फैब्रिक जॉर्जेट का है, बहुत ही सो स्मूथ एंड सॉफ्ट वाली साड़ी है। इसका जो बस यहाँ पे जो जिसे आप देख सकते होंगे बॉर्डर है ना, ये मुझे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है। इसमें अलग अलग कलर के जो पूरा थ्रेड से जो इसमें यहाँ पे पूरा बनाया है ना, ये मुझे बहुत ही स्टनिंग लगा है। तो ये इसी तरह का पूरा यहाँ पे पल्लू के तीनों साइड जो है हमें इसी तरह का रिसीव होगा, एंड ऑल ओवर जो साड़ी है ना सेम इसी तरह का शेड आएगा। इसमें एक भी जो है फॉल्ट नहीं है साड़ी में, मतलब कोई कोई साड़ी ऐसा रहता है कि थोड़ा डार्क स्टेन वगैरह लग जाता होगा, इसमें कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट क्लीन एंड नीट साड़ी मुझे रिसीव हुआ है। इसका भी जो प्राइस है ना समथिंग लाइक आई थिंक अराउंड 600 to 700 रुपीज है एग्जैक्टली, तो मैं भूल गई हूँ, इतने सारे साड़ी आते रहते हैं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, प्राइस भूल जाती हूँ। तो जो भी इसका एग्जैक्ट प्राइस एंड इमेज है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जहां के लिए प्लेट्स भी बनाते हैं सेम इसी तरह का जो है हमें यहाँ पे तीन शेड का पूरा यहाँ पे रिसीव होगा, और जिसका बॉटम आएगा अगेन इस तरह का हमें यहाँ पे पूरा जो है लेस बॉर्डर रिसीव हो रहा है। सो गाइस ये रहा पूरा साड़ी, इसी के साथ जो है हमें यहाँ पे ब्लाउज पीस भी रिसीव हो रहा है जो की ब्लू कलर में है, एंड बैंगलोर सिल्क इसका फैब्रिक है, 0.8 में का ब्लाउज पीस है। इसी के साथ हमें यहाँ पे इस तरह का जो है लेस बॉर्डर भी दिया है जिसे आप एज अ स्लीव के लिए अटैच करवा सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इस साड़ी का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट रहा ये साड़ी, एंड चलिए देखते हैं कि ये साड़ी कैसा है, तो मैं इसको पहले पूरा जो है ओपन कर लेती हूँ। ओके सो गाइस ये रहा साड़ी, एंड ये पूरा रेड कलर का साड़ी है, एंड यू नो वॉट आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस टाइप ऑफ कलर्स, यानी कि रेड पिंक मजेंटा मरून, मुझे समझ में नहीं आता जब भी मैं मीशो पे ऑर्डर करती हूँ ना उसमें ढेर सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, येलो ग्रीन ब्लू ये सारे, मुझे येलो भी पसंद है ग्रीन भी पसंद है, बट इन दोनों को छोड़ के ना बाकी ये इस तरह के जो कलर्स है ना मुझे, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इन्हीं कलर्स में ही मंगाती रहूँ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरे वीडियोस में सिर्फ इसी तरह के कलर्स रहेंगे तो फिर कैसे अच्छा लगेगा, बट मैं क्या करूँ गाइस, क्योंकि मैं अपने लिए मंगाती हूँ ना, ये समझ सोच के मंगाती हूँ कि मुझे लेना है मुझे पहनना है, तो मैं पहले इमेजिन करती हूँ कि ये कलर मुझे मेरे ऊपर कैसा लगेगा, इस तरह से मैं सोच के मंगाती हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा जो आप रेड मैरून मजेंटा ये सब कुछ लेकर आती रहती हैं, वेल आपकी भी चॉइस है, क्योंकि इन सभी सारे इसमें ना ढेर सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं मीशो पे, तो आपको जो पसंद आ जाए, बस आपको फैब्रिक जानना है कि ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, डिजाइन देखना है, वो सब देखने के बाद जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा कलर मंगाना है। आप इसको भी मंगा सकते हो या फिर आप कोई और भी कलर मंगा सकते हो। वेल मुझे इस तरह के कलर बहुत अच्छा लगता है, आप सबको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो ओके फ्रेंड्स, ये रहा साड़ी, इस साड़ी को जो प्राइस मिलेगा अराउंड 790 रुपीज तक है। मैंने कॉइन्स यूज किया था, मेरे पास काफी सारे कॉइन्स थे, तो उसमें मुझे आई थिंक शायद 100 रुपीज का कुछ यहाँ पे मुझे इस पे डिस्काउंट मिला था, तो ऑलमोस्ट 700 रुपीज का ये साड़ी है। इट इज समथिंग लाइक अ वेरी एलिगेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बट बहुत ही स्मूथ वाली फैब्रिक है। कोई कोई ऑर्गेन्जा फैब्रिक ऐसी होती है बहुत ही ज्यादा मतलब कि रफ होती है और ड्रेप भी नहीं होता है और प्लीट्स भी नहीं बना सकते, बहुत सारे इश्यूज आता है, बट अच्छा लगता है साड़ी देखने में लेकिन वेयर नहीं कर पाते, ये वैसा नहीं है। आराम से आप जो नॉर्मल साड़ीज की तरह भी इसको आप जो है ड्रेप कर सकते हो, प्लीट्स बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो पोर्शन यहाँ पे दिखा रही हूँ पल्लू का पोर्शन है, तो हमें इसे पूरा यहाँ पे जैसे आप देख सकते होंगे पूरा बूटी वर्क दिया हुआ है ऑल ओवर साड़ी में, ये पूरा ओवन जरी का काम है। एंड पहले तो मैं आप सबको बॉर्डर दिखा देती हूँ, पहले तो इस तरह यहाँ पे गोल्डन लेस बॉर्डर आएगा, ठीक उसी के नीचे पूरा ओवन जरी का काम मिल रहा है,
ठीक यहाँ पे इसमें पूरे जो कहीं कहीं पे जो स्टोन का पूरा हमें यहाँ पे वर्क रिसीव हो रहा है। गाइस ये जो यहाँ पे पल्लू का है ना, यहाँ पे हमें हाफ ऑफ द पोर्शन जो इस तरह का पूरा वोवन जरी का काम मिलेगा जैसे आप देख सकते होंगे। नेक्स्ट जो साइड है ना, ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट लगा इस साड़ी का, क्योंकि इसमें ना पूरा हमें यहाँ पे हैंड वर्क पूरा रिसीव हो रहा है जैसे आप देख सकते होंगे। इसमें ना सौरस्की का पूरा वर्क है, यानी कि पूरा स्टोन का हैंड वर्क पूरा इसमें रिसीव हो रहा है। अलग अलग जो यहाँ पे स्टोन के इसमें यहाँ पे हमें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क रिसीव हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट ये जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना, सिर्फ पल्लू में आएगा और बाकी जहाँ के लिए हम प्लेट्स बनाते हैं वहां पे नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये जो है यहाँ पे इस तरह का हमें इसमें सिर्फ पल्लू के पोर्शन में यहाँ पे वर्क मिलेगा। और ये फुल्ली जो है ना हैंड वर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जैसा कि एग्जैक्टली दिखाया था इमेज में वैसा ही मुझे रिसीव भी हुआ है। स्पेशली इसका कलर मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है, बहुत ही प्यारा कलर है ये रेड कलर। एंड ये पूरा हमें ऑल ओवर साड़ी में सेम इसी तरह का ही वोवन साड़ी का काम मिलेगा, बूटी वर्क वाला। जहाँ के लिए प्लेट्स बनाते हैं वहां के लिए पूरा सेम इसी तरह का आएगा। एंड उसका बॉटम आएगा इस तरह का ब्रॉड साइज का हमें बॉर्डर जैसा मिलेगा, जो कि पूरा वोवन साड़ी का काम है। एंड प्लस स्टोन भी इसमें यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। सो गाइस ये रहा पूरा साड़ी, ये आपके लिए परफेक्ट है। वेडिंग का सीजन तो चल ही रहा है, उसके लिए आप इसको इसे जो जरूर कैरी कर सकते हो। अगर आपको भारी साड़ी नहीं पसंद है तो आप इस तरह का साड़ी भी ले सकते हो, बजट में भी रहेगा, आपका लुक भी नहीं जाएगा दुल्हन वाला, उस तरह का ये साड़ी है। एंड वेल अगर आपकी शादी नहीं भी है तब भी आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी शादी है वही ले। मैं तो ये अपने लिए ले ही रही हूँ। एंड जैसे आप देख सकते होंगे ये यहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस रिसीव हो रहा है, जो कि ग्रीन कलर के शेड में है, लाइट ग्रीनिश है ये। सेम फैब्रिक ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, इस तरह का हमें यहाँ पे बॉर्डर रिसीव हो रहा है, ऑल ओवर पूरा पे बूटी वर्क रिसीव हो रहा है। एंड नेक्स्ट जो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड बॉर्डर भी रिसीव हो रहा है, जैसे आप स्लीव वगैरह के लिए अटैच करवा सकते हो। सो यार ये रहा पूरा साड़ी, ट्रस्ट में साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा ये साड़ी। मेरा बेस्ट बाई है ये मीशो से, क्योंकि इतने प्राइस में इतना ब्यूटीफुल साड़ी मिला है। तो आई थिंक किसी को मिस नहीं करना चाहिए, इसमें और भी कई सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड मुझे तो सारे कलर्स पसंद आए थे, बट मुझे सबसे ज्यादा रेड अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने मंगाया। तो यार इस साड़ी का भी बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये रहा साड़ी, एंड इसे आप देख सकते होंगे कुछ इस तरह का पूरा बांधनी वाला साड़ी है। मैं इसके पीछे एक स्टोरी क्या बताना चाहती हूँ, जो मैं मंगाई थी वो मुझे नहीं मिला है। तो मीशो से ऐसा क्यों प्रॉब्लम आता है मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, कि हम तो ये उम्मीद में रहते हैं कि जो हमें फोटो में दिखा रहे हैं हमें वही मिलेगा, बट एग्जैक्टली कुछ और ही होता है। और कुछ लोग तो भी ऐसा सोचते होंगे कि जो यूट्यूबर है उनको ही सिर्फ अच्छी अच्छी साड़ीज जाती हैं, सेम सेम साड़ीज जाती हैं, हमें कुछ और मिलता है फटी या फिर अलग वगैरह। नहीं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं बना रही हूँ और मैं जेन्युइनली यहाँ पे मैं खुद से बाय करके यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अब आप एक एग्जांपल देख ही सकते होंगे, इसका जो रियल इमेज एंड पूरा है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मुझे क्या मिला है यहाँ पे। वेल डिजाइन वगैरह इसका सेम ही है, बट इसका जो कलर है ना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना ओल्ड एंड कितना पुराना हो गया है साड़ी, वैसा ही इसका पूरा कलर है। मैं चाहकर भी इसको अपने पास नहीं रख सकती हूँ। जैसे आप देख सकते होंगे पूरा जो डिजाइन वगैरह मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो इसका पूरा फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है, बट जो इसका कलर है ना मुझे ये उतना पसंद नहीं आया है। इवन इसकी फैब्रिक भी उतनी खास नहीं लगी है मुझे। 800 रुपीज तक है इसका जो भी प्राइस है। मैं तो रिकमेंड एक्चुअली नहीं करूंगी बाय करने के लिए, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने रिव्यूज भी देखे, उसमें काफी सारे लोगों को जो है ये कलर का ही इश्यू बहुत आया उसमें, तो इसीलिए। अदरवाइज इसका जो डिजाइन वगैरह ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, बट द ओनली प्रॉब्लम इसके कलर मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आया है। इवन इसका फैब्रिक भी उतना नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा काफी ज्यादा रफ वाला ये पूरा फैब्रिक है। तो मैं इसको वेयर करके भी नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही ना आए तो मैं इसको वेयर करके क्या ही दिखाऊं आप सबको। तो ये रहा गाइस पूरा साड़ी, एंड ये ट्रस्ट मी ये रियल में इतना ओल्ड साड़ी दिख रहा है ना कि मैं क्या बताऊं कि ये कहाँ पे रखा हुआ था जो इस तरह का उठा के दे दिया है। अगर नहीं होता वो कलर नहीं था तो एटलीस्ट कैंसिल भी कर सकते थे ऑर्डर ऑटोमेटिकली, बट नहीं, उन्होंने ये भेज दिया कि शायद रख लेंगे, लेकिन मैं तो नहीं रखने वाली हूँ। मैं इसको अब रिटर्न करने वाली, लेकिन अब देखना है कि ये रिटर्न कैसे होगा, आसानी से होगा भी या नहीं, क्योंकि जब भी इस तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट आता है ना बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है मीशो पे रिटर्न करने के लिए। ईजिली रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं हो। सो गाइज ये रहा आज का मेरा वीडियो, एंड आई रियली होप कि आप सबको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा साड़ी आप सबको लगा है कमेंट में जरूर बताएं, और किस तरह के साड़ी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।